हेलो फ्रेंड्स, मैं बीना वर्मा आज आपके लिए एक और नई क्रिएटिविटी लेकर आई हूँ। डक शेप का कंटेनर, इसे आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। कटलरी रख सकते हैं, एसेसरीज रख सकते हैं और फ्रूट्स भी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बहुत ही यूज़फुल कंटेनर है, आप इसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। बिरला वाइट सीमेंट से भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बनता है। और अगर बच्चे बना रहे हैं तो उनको वाइट सीमेंट अगर नहीं यूज़ करने का मन है तो एमसील या शिल्पकार से भी बना सकते हैं। डक शेप स्पून कंटेनर बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसे देख लीजिए। ये इस तरह का एक बलून, सेलो टेप, एक चौड़ा ब्रश, न्यूज़पेपर इस तरह से कटे हुए, फेविकोल और पानी, शिल्पकार चाहिए होगा या फिर आप एमसील भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और फैब्रिक्रिल वाइट कलर, और फैब्रिक्रिल के ही पर्ल कलर आते हैं जो सिल्वर में वो, और ब्लू कलर। अगर किसी को ग्रीन बनानी हो तो वाइट और ग्रीन कलर, इस तरह से टेलकम पाउडर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसा एक वायर चाहिए। फेविकोल को पानी से पतला घोल बना लीजिए और बलून के ऊपर पेपर के टुकड़ों को चिपकाइए अच्छी तरह से। सूखने के बाद उसको अपने शेप, जैसा आपको शेप चाहिए उस तरह का शेप में काट लीजिए। उसके ऊपर मास्किंग टेप या सेलो टेप से वायर को डक का नेक बना के चिपका लीजिए। अब आप एमसील से बना सकते हैं या शिल्पकार से भी बना सकते हैं या फिर वाइट सीमेंट से भी बना सकते हैं। उसी बेस पे हमको इन सारी चीज़ों को चिपकानी है। रेगमाल से अच्छे से सैंडपेपर से रगड़ेंगे और बहुत ही चिकना, दोनों तरफ से रगड़ के स्मूथ चिकना सा बना लेंगे। फिर इसे वाइट कलर से पहले पेंट करेंगे। सूखने के बाद फिर हम अपने मनपसंद कलर इस पे कर सकते हैं। इसमें मनपसंद फ्लावर बना सकते हैं, और हमने पोल्का डॉट्स से इसे सजा दिया है। हम लोगों ने ग्रीन और ब्लू कलर के कंटेनर बनाए हैं। देखिए हमारा कंटेनर बन के तैयार हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आगे हम और भी नए नए वीडियोस पोस्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।